सो दोस्तों, वेलकम टू गूगल क्लासेस। आप सबका हमारी इस लर्न मैथ्स थ्रू गिव सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सो लेट्स बिगन। फर्स्ट प्रॉब्लम, पहला एमसीक्यू, इससे हम बेसिक्स क्लियर करेंगे अपने बाइनोमियल थ्योरम को। जो भी अपने को अस्त्र शस्त्र चाहिए ज्ञान के, वो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, वेयर एन इज सम पॉजिटिव इंटीजर और आर। ओके, सो मैं जानता हूँ आपके लिए, कई बच्चों के लिए ये नई नई बातें होंगी। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करूँगा। पहली बात तो ये देख करके कई को पता नहीं चला भाई क्या चीज़, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको जस्ट एक सिंगल एग्जाम्पल से। सपोज आपने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या सिंपल देखो ए प्लस बी का चलो स्क्वायर ही करते हैं। होल स्क्वायर क्या होता है ये सबने पढ़ा हुआ, सबको आता भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या फिर मैं लिखूँ तो ए प्लस टू ए बी प्लस बी। उसी तरह से आपने ए प्लस बी का होल क्यूब, वो सब चीज़ें सीखी होंगी। मेरे को जो समझाना है वो मैं इसी एक आइडेंटिटी को यूज करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ए प्लस बी की पावर टू थी तो हमने याद कर लिया, ए प्लस बी की पावर थ्री होती है वो भी हमने याद कर लिया। पर सपोज अगर कभी फोर पावर आ जाए, फाइव पावर आ जाए, सिक्स, फाइव, सेवन हंड्रेड, वन हंड्रेड टेन, कुछ भी नंबर आ जाए एन के ऊपर, ठीक, कोई भी इंटीजर आ जाए जो कि पॉजिटिव हो, हम उसकी एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला ए प्लस बी की पावर टू, टू क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो मैंने इसको एक्सपेंड किया, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी हमने एक्सपेंड कर दी, आइडेंटिटी की एक्सपेंशन है। इसमें कितने टर्म आए, एक दो तीन, ठीक है, कितने टर्म आए, तीन टर्म। जबकि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, देख रहे हो आप, ए प्लस बी है नीचे, मतलब दो टर्म ऐड हो रही है, पावर में आपने नंबर टू डाल रखा, तो जो नंबर टू है, जब एन की वैल्यू टू है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, थ्री, तो थ्री के दो से एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, एन प्लस वन। आंसर तो आपने यहाँ से ठीक कर लिया, एन प्लस वन। तो जितने यहाँ पे इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं मैथमेटिकल बुकिश लैंग्वेज में इंडेक्स, तो ये इस ब्रैकेट का इंडेक्स है, और एक्सपेंड करके हमने एन प्लस वन टर्म स्ट्राइक कर ली। ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझने के लिए बोला, आप एनालॉजी सेट करो पहले, इसको लेकर के ये चीज सोचो, यहाँ पे दो थी इंडेक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू, टर्म्स आए तीन, अगर यहाँ तीन होती तो टर्म्स आते चार, आप करके देखना। ओके, सो उसी तरह से यहाँ से हमने आंसर निकाले एन प्लस वन, फाइन। बट इस इतने से ये काम नहीं चलाना अपने को, आपको मैं यहाँ से एक जनरल रूल लर्न करने को बोलता हूँ। सपोज करो अगर यहाँ पे एन पावर रहती है तो उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, आप इसको लर्न कर लो, ए प्लस बी अगर पावर एन हो, और जहाँ पे एन क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो उसकी एक्सपेंशन इन जनरल हम क्या लिखते हैं, एन सी जीरो। मतलब जैसे मैंने लिखा ना एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ऐसे सोचो यहाँ पे अगर पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन प्लस वन, ठीक है। तो मैं जनरल लिख रहा हूँ कि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या आएगी, एन सी जीरो, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे अगर फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर एन में से ये माइनस करेंगे, जो यहाँ नीचे सी के बेस में आपने लिया होगा, तो एन माइनस जीरो, मतलब बोला है वो क्या होगा, एन माइनस जीरो करोगे, तो मैं जानबूझ के माइनस जीरो कर रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न याद रहे, अदरवाइज मैं सिंपली लिख सकता था ए की पावर एन। ओके, बट क्योंकि अभी पैटर्न समझ पाओगे कैसे लिखा जा रहा है, इसलिए मैं लिखा एन माइनस जीरो। बी की पावर क्या लगानी है आपको, जो यहाँ पे नीचे बेस में नंबर था वो ऊपर लगाना, तो बी की पावर जीरो, ठीक है। तो मैं जान उसी को बी की पावर जीरो लिख रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बी की पावर जीरो वन होगा, बट जस्ट आप पैटर्न कैच कर पाओ इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। प्लस सेकेंड टर्म कैसे आएगी, एन सी, इस जीरो से एक एक्स्ट्रा बड़ा होगा, वन, एक एक इंटीजर जंप करना नीचे पैर में, ठीक। सो बाकी स्टाइल यही है, ए मतलब जो फर्स्ट टर्म था हमारा वो ए पहले लिखे, एन में से क्या माइनस करेंगे, ये एन ऊपर वाला, नीचे वाला जो पैर में था नंबर माइनस करेंगे, एन माइनस वन। ओके,
जो नीचे कार्बन नंबर है यहाँ इसकी पावर। ओके फिर थर्ड हम ऐसे लिखे हैं एन सी टू और वो कब सुपर पैटर्न कैच कर लिया होगा आपने, तो नंबर नीचे ऊपर ठीक है, प्लस सो 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 चलती जाएगी ऐसी इसकी। और लास्ट हम जो आएगी वो कैसे आएगी, देखो हम बोल रहे हैं जीरो से हमने नंबर वन इंक्रीज किया, टू इंक्रीज किया, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आखिरी इंक्रीज करना, इसको ले जाते जितनी ये इंडेक्स की वैल्यू है एन वहाँ तक ले जाएंगे, मतलब एन सी लास्ट टर्म बनेगी एन सी एन ए, और उल्ट के एन में से वो नंबर माइनस करो जो नीचे, तो एन माइनस एन, और यहाँ जो सेकेंड टर्म है हमारे एक्सपेंशन के अंदर का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर का, सो बी की पावर जो नीचे था वो नंबर ऊपर। ओके अब यहाँ से कुछ कैच अप और करने, पहले ये जो टर्म इसको टेक्निकली सी जीरो, और यहाँ ए की पावर एन, ये की बात है बी की पावर जीरो क्योंकि वन होता है, तो ये जो है इस तरह से लिखा जा सकता है। बाकी ये जो लास्ट का टर्म है ये इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैं और कर देता हूँ इतने से टर्म को लिखने का स्टाइल क्या, या फिर ये सोचो कि बस इतना था मैं आपको बताऊँ, आप ये सोचो ए की पावर एन माइनस एन ये क्या होगा ए की पावर जीरो, तो ये एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे ए की पावर जीरो वन लिखो वन इंटू नंबर मल्टीप्लाई होकर सेम रहता है, तो ये यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्टली ये बिंदी इंटू बीच में, ये बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि बी की पावर जीरो जो है डायरेक्टली आप इसको वन इंटू ये समझ लो ये था और ये जीरो का कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए एन माइनस जीरो नहीं होता। चलिए और आपको बात समझ आई होगी, ये जनरल एक्सपेंशन है। अब यहाँ से एक और बात आप समझ सकते हो, अगर मैं पूछूँ इससे जनरल टर्म क्या है, हम बोलेंगे टी आर प्लस वन टर्म जो होती है कुछ इसकी होती है एन सी आर ए की पावर, इसी के रेफरेंस में मैं ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी नहीं बोले एक्चुअली मैं ये रूल लिख रहा हूँ, सो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ठीक है अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा। देखो मैंने क्यों यहाँ पे आर एस टर्म डायरेक्टली नहीं लिखी, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ आर एस टर्म तो फिर तो यहाँ पे मतलब करूँगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए तो मेरे को वन नंबर दिख ही नहीं रहा कहीं रूल में, तो ये जीरो टर्म तो नहीं बोलेंगे, टर्म तो पहली दूसरी तीसरी ऐसी काउंट होती है, तो अगर मेरे को पहली टर्म लिखनी है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है जीरो, समझो देखो ये पहली टर्म का मतलब है टी, अगर मेरे को लिखना है कि फर्स्ट टर्म है तो क्या लिखूंगा जीरो प्लस वन ऐसे, तो क्या बनेगा ये पहला टर्म क्या बन गया एन सी जीरो, आर की जगह क्या गया जीरो ए एन माइनस जीरो बी की और जीरो, तो बी की और जीरो मेरा क्या होता है वन होता है, सो वन यहाँ इंटू में लिखेंगे नहीं एन माइनस जीरो एन होता है, सो क्या बन गया एन सी जीरो ई पावर एन, तो देखा आपने इस आइडेंटिटी से हम भी पोजीशन की टर्म लिख सकते हैं, वो आपको बात समझ आई। ये तो आपको फॉर्मूले याद रखने, मैं बार बार आइडेंटिटी बोल देता हूँ फ्लो में, इसमें ये रूल है रूल फॉर्मूला है आइडेंटिटी कुछ और चीज़ होती है, सो आपको ये दो फॉर्मूले समझ आ गए। लेट्स मूव अहेड, ये है सेकंड प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आपको कुछ तो थोड़ा सा बेसिक और इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं, होने का मतलब है कि इसको सुना वो एक दो एग्जांपल देख के बता रहा हूँ ये अप्लाई कैसे होती है चीज़ें। सपोज मैं कहता हूँ अगर ए प्लस बी की पावर फोर है ना, मैंने थ्री तक एंट्रीज पढ़ी मान लो फोर है, तो इसमें कितने टर्म आएंगे, मैंने बोला जितने एन की वैल्यू होती है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, मतलब पांच टर्म आएंगे टोटल, तो इट विल हैव इसकी एक्सपेंशन होगी उसमें फाइव टर्म्स होंगे, फाइव पांच टर्म होंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ थर्ड टर्म बताओ इसका, मतलब एक टर्म दो टर्म बीच में प्लस फिर प्लस तीसरा टर्म फिर प्लस प्लस एक दो तीन चार पांच टर्म होगा, तो मेरे को ये टर्म चाहिए। एक तरीका क्या, मैं पूरा ये रूल इतना लगा के ये पूरा पैटर्न लिख दूँ और फिर आंसर तक पहुंचूं, क्योंकि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को मिनिमम टाइम में आंसर तक पहुंचना है, मेरे को डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया थर्ड टर्म बताओ, इसका थर्ड टर्म बताओ इस एक्सपेंशन का, जो आपको मैं ब्रैकेट के वो इंडेक्स में चार लिख के बता रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करने पे ए प्लस बी की पावर फोर को एक्सपेंड करने पे जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या होगा। ठीक है थर्ड टर्म मतलब किसके लिए, ऐसे थर्ड टर्म बोल रहे हैं जंबल में नहीं लिखना, अगर आप सीक्वेंस में ही टर्म्स लिखो तो सीक्वेंस में जो आने वाला थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है आपको
देखो क्या सोचना है, थर्ड टर्म मतलब क्या लिखूंगा मैं, टी थ्री कैसे बनता है, जैसे मैंने लिखना था अगर फर्स्ट टर्म तो क्या लिखा जाता था, 0 प्लस 1, ठीक है, अगर मैं लिखना था सेकेंड टर्म तो क्या लिखा जाता था, 1 प्लस 1, ठीक, तो आपको ये बात समझ आई होगी। अब मेरे को पूछा रहा है थर्ड टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि रूट किसके लिए होता है, टी आर प्लस वन इस टर्म के लिए, और मेरे को क्या बोल रहा है, क्या ढूंढो, टी थ्री ढूंढो, ठीक, तो मेरे को इसको मैच कराना है इसके साथ, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस थ्री को मैं आर प्लस वन टाइप में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ, टी 2 प्लस 1 टाइप का, ओके, समझे। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, मेरे को अगर पूछा है थर्ड टर्म तो मेरे को सोचना है, क्योंकि रूल मेरे को लगाना है टी आर प्लस वन का फॉर्मूला, सो मैं थ्री को सोचूंगा 2 प्लस 1 प्लस 1, समझे ना, क्योंकि रूल बना ही आर प्लस वन के लिए, सो टी थ्री को मेरे को विजुलाइज करना है टी 2 प्लस 1 टर्म के हिसाब से, और रूल कहता है एन सी आर, जो फर्स्ट टर्म होता है ब्रैकेट के अंदर का, वो फर्स्ट हमारा ए है, उसकी पावर एन माइनस आर, ऊपर वाला और आर नीचे वाला, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, फिर जो सेकेंड टर्म ब्रैकेट का क्या है, बी, और यहाँ पे जो नीचे वाला है वो पावर आर, क्योंकि मेरे को आर की वैल्यू यहाँ पर रूट कहता है आर प्लस वन, तो ये पहला नंबर क्या है यहाँ पे, आर, आर की वैल्यू कितनी है, 2, और एन क्या होता है इंडेक्स, या इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 4, फोर, क्वेश्चन ये है, ठीक, इसके 5 टर्म है, 5 टर्म लिखने का मेरे पास पेपर में टाइम नहीं है, सो इसलिए मैंने ये रूट छोड़ दिया, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूले क्यों नहीं चाहिए, अच्छे से समझ, ये मैंने समझ के हिसाब से लिखा कि एन की वैल्यू यहाँ पे मेरे को देखने वाली है 4, मैंने एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 4, डाल देता हूँ 4, आर की जगह डालना है 2, ओके, देन यहाँ पे एन की जगह 4 और आर की जगह 2, देन यहाँ पे बी की जगह 2, ये नीचे वाला ऊपर आया, समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो कॉम्बिनेशन परमुटेशन आता होगा और आपने फॉर्मूले समझे होंगे, सो तभी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला रहता है एनसीआर का, तो यहाँ पे 4C2 है, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में ए की पावर 4 माइनस 2 मीन्स 2 इंटू बी की पावर 2, देखो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, मतलब 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है रिवर्स ऑर्डर में टू 1, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होता है, ठीक, अपॉन 4 माइनस 2 2, सो यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल, इंटू में भी है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, सो वो तो 2 ही रहेगा, सो इस 2 फैक्टोरियल का मैं लिख सकता हूँ 2, ये 2 फैक्टोरियल का मीनिंग भी हो गया 2, और ये जो 2 इंटू 1 है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 इंटू 4 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 6, नंबर नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन, मतलब ये नंबर काट पीट के बनेंगे 6, ये नंबर वाला पार्ट है ये इतना सा, इसका आंसर रहेगा 6, ये पूरा बन गया इक्वल्स टू 6, और बाकी जो साथ में वेरिएबल्स हैं वो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो आपको समझ आ गया होगा, अगर जिसको ये इन चीज़ों में दिक्कत हो, फैक्टोरियल एन सी आर कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल सब चीज़ें, तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियोज हमारे देख लें, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी थोरली, नाउ इसके हिसाब से अपन आंसर करते हैं बीच वाले एमसीक्यू को, विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर द एक्सपेंशन ए माइनस बी की पावर एन, सो ये जस्ट इसका मैंने एक और लिखने का स्टाइल दिखा रखा, देखो यहाँ पे मैंने ये काफी समेशन कर रखा है एक लंबी सी सीरीज का, तो इसी को अपन सिग्मा यूज करके भी कर सकते हैं, समेशन क्या लिख सकता हूँ, समेशन आर इक्वल्स टू 0, कहाँ से शुरू किया है, पर ये सबका स्टाइल एक ही है, देखो ये एन सी समथिंग, ये ऐसे से, और जो जनरल टर्म है वो कैसे लिखी जा रही है, इसकी एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, जो मैंने आपको बताया जनरल टर्म, ये टी आर प्लस वन टर्म, ये जनरल टर्म है, कैसे लिखी जा रही है, एन सी आर ए एन माइनस आर पावर में एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, इसके एक्सपेंशन के हिसाब से ये लिखा जा रहा है सर, तो अब मेरे को समेशन सिग्मा साइन डाल के भी इसको लिखता हूँ, आर की पावर आर इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जा रहा है, आर की वैल्यू 0 से लेके, ये देखो 0 से लेके कहाँ तक एन तक, लिख सकता हूँ सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू, सो ये कब है, जब यहाँ पे प्लस का साइन है, आपको समझ आ रहा होगा, अब जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो फिर क्या सोचेंगे, देखो हमने रूल देखा ए, जो मैंने कैलकुलेशन करी है, इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, ए प्लस बी की पावर एन,
मेंशन लिखी जाती है समेशन, इसीलिए हम चलो यहाँ आर इक्वल्स टू 0 to n, और यहाँ जनरल टर्म लिखा जाता है अंदर समेशन के, ये जनरल टर्म बार बार ऐड हो रहे हैं और इनमें आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक बदल रही है, और यहाँ जनरल टर्म लिखने का तरीका रहता है एन सी आर ए की पावर ए मीन फर्स्ट टर्म उसकी पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। बट यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो प्लस है उसकी जगह दे रखा है माइनस, सो अपन को कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करना, यहाँ पे अपन करते हैं इसको ए प्लस और ये सोचता हूँ माइनस बी इस तरह से। ये मतलब ये मेरे को वही दिया जो मैंने पढ़ा हुआ है अभी तक, तो मैं इस फॉर्मूले को जानता हूँ, मेरे को इसी फॉर्मूले में की हेल्प से ही इसको कन्वर्ट करके लिखना। सो ए माइनस बी को मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस माइनस बी, माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए सेकेंड टर्म क्या अभी माइनस बी, फॉर्मूला बना सिग्मा, यहाँ तो वही रहेगा आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक समेशन और एन सी आर ए की पावर, क्योंकि ए के साथ तो कोई माइनस नहीं है प्लस ही है, तो ए की जगह तो यही आएगा पावर में, क्या आएगा एन माइनस आर। अब बी की जगह क्या है सेकेंड टर्म माइनस बी, सो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर माइनस बी की पावर, ये जो नीचे पावर है वो ऊपर आएगी, मतलब जो नीचे नंबर है आर वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये तो ये एक स्टेप और आगे कर दूँगा सॉल्व कर दिया आर इक्वल टू 0 to यहाँ पे एन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी माइनस बी की पावर आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी की पावर आर इंटू माइनस वन की पावर आर, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। सो देखो इसमें कौन सा जो है इस तरह के फॉर्मूले से टैली कर रहा है, तो यहाँ तो आर इक्वल टू 1 जिनमें डाल रखा है वो तो गलत ही है बिल्कुल, ये भी आर इक्वल टू 1 डाल रखा है गलत है, क्योंकि 0 से शुरू होती है आर की वैल्यू सीरीज में, समेशन वाली सीरीज में, तो 0 से शुरू होने वाले 2 टर्म है ये और ये ऑप्शन और सी ऑप्शन। अपने को बाकी पार्ट ऑफ टैली करना है, यहाँ पे -1 की पावर आर वाला फैक्टर कंसीडर किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया इसलिए गलत है, यहाँ से सही है सी पावर। ओके लेट्स मूव अहेड, देन थर्ड क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है, कोशेंट ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज दिस, ये एक्सपेंशन करने को बोला है आपको, एक दिया है ए माइनस बी सेम कलर में डाल ए माइनस बी अपॉन 2 और इंडेक्स इसका दे रखा है 7, ठीक है। अगर आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है आप इजिली अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी प्रैक्टिस करो टी आर प्लस 1 वाले फॉर्मूले के अच्छे से। तो हमने बोला कि हम तो रूल्स किसके लिए पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी की पावर समथिंग के लिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो रूल भी आपको बताया कि कैसे हम माइनस वाला फॉर्मूला जो है, जो माइनस वाला एक्सपेंशन है उसको प्लस वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको अपन किस तरीके से देखेंगे, ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 और इंडेक्स इसका 7, ऐसे भी आप सोच सकते हो। यहाँ ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है और सेकेंड टर्म माइनस बी बाई 2 है। ओके अब लास्ट टर्म का कोफिशियंट क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले लास्ट टर्म ही निकाल देते हैं पूरी और फिर देखते हैं उसका कोफिशियंट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, हम पूरी एक्सपेंशन लिख दे, तो अपने को जो टर्म पूछी गई एग्जैक्टली वो बतानी है। तो हमने देखा कि जब एन की वैल्यू मतलब इंडेक्स की वैल्यू एन होती थी, नंबर ऑफ टर्म कितने होते एक्सपेंशन में एन प्लस 1, सो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 7, तो कितने टर्म होंगे टोटल एक्सपेंशन में 8, सो मतलब एक्सपेंशन में 8 टर्म होंगे। और क्या बोला, लास्ट टर्म ढूंढो, लास्ट टर्म ढूंढो मतलब क्या बोल रहा है, टी एट ढूंढो, ठीक है। मतलब टी एट को क्या सोचना है, टी सेवन प्लस 1, टी सेवन प्लस 1 क्या होगा, देखो रूल क्या कहता है, टी आर प्लस 1, ये मैं कुछ बार बार आपके लिए लिख रहा हूँ बट एग्जाम में आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, वहाँ लिखो एन सी आर फर्स्ट टर्म की वजह से यहाँ पे ए है तो एन माइनस आर, तो यहाँ पे कितनी है माइनस बी बाई 2, सो ये जो नीचे नंबर है ये ऊपर, ठीक है। अब हमारे लिए आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, क्योंकि हमें लास्ट टर्म ढूंढनी है, लास्ट टर्म 8th टर्म होगी तो 8 कैसे लिखा जाएगा, आर प्लस 1 के फॉर्म में 7 प्लस 1 बनाते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी, एन की वैल्यू आपने देख ही ली है ये 7, ठीक है। आर की वैल्यू भी 7 है और एन की वैल्यू भी 7 है, रूल बना मतलब यहाँ वैल्यू सूट करना है बस इस रूल में, 7c7 ए की पावर एन माइनस आर में 7 माइनस 7, ओके इंटू माइनस बी अपॉन 2 बना माइनस बी अपॉन 2 और पावर में वैल्यू 7, ओके
सो 77 पता है आपको, अगर इसकी प्रैक्टिस सिंपली 1 के बराबर होता है, कैलकुलेट करके देख लेना। फिर ए की पावर 7 माइनस 7 मीन्स ए की पावर 0 कितना होगा, ये भी 1 1 इंटू 1 क्या रहेगा हमारे पास, -p/2 की पावर 7। बट हमें केवल बोला कॉफिशियंट बताओ, तो हमें ये जो वेरिएबल है उसको छोड़ देना, वेरिएबल क्या है यहाँ पे बी, तो साथ में जो नंबर आ रहा है उसको बताना। सो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 1, तो ये 1 ही होगा, इसको छोड़ दो। अब इसको लिख सकते हो -1/2 पावर 7 × b की पावर 7। तो ये b की पावर 7 है, ये तो वेरिएबल है, जैसे हम लिखते हैं x+y का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इक्वल्स टू x² + 2xy + y² अगर हम बोलो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन क्या है, तो मतलब इस वेरिएबल को नहीं देखना आपको, एक्स वाला जो वेरिएबल है इसको छोड़ दो, इसके साथ क्या 1, तो क्या बोलने में आएगा, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन 1 है, सेकंड टर्म का क्वेश्चन 2 है, थर्ड टर्म का क्वेश्चन 1 है, समझ आई बात। उसी रीति से यहाँ पे आपको वेरिएबल ए बी को छोड़ दो, इंग्लिश वाले वर्ड को, नंबर कितना है -1/2 की पावर 7, -1/2 की पावर 7 भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो -1 बाहर निकाल रखा है। देखो ये क्या है, नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो तो उसको आप लिख सकते हो, मैंने नेगेटिव बाहर ही आएगा वो, और लिख सकते हो 1/2 की पावर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ फोर्थ टर्म, जैसे हमने लास्ट टर्म का क्वेश्चन निकाला, फोर्थ टर्म का निकालो, यहाँ पे दिया एन की वैल्यू कितनी 8, इंडेक्स 8 है, एन की वैल्यू 8 है, फोर्थ टर्म निकालने को बोल रहा है, टोटल टर्म्स कितनी हुई यहाँ पे 9। एक्चुअली हमें टोटल टर्म्स की भी जरूरत नहीं है, बस मैं आपको विजुलाइज होता है नहीं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये बातें, ताकि आप बार बार सुनो और आपको याद रहे चीजें। फोर्थ टर्म निकालिए, मतलब क्या निकालना है, T3 + 1 एन की, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला चलो एक बार बोल लेता हूँ आपके लिए, T r+1 किसके बराबर होता है, MCr, ये यहाँ पे ये की वैल्यू फर्स्ट टर्म मतलब तो लिखा जाएगा -r, सेकेंड टर्म वाई लिखा जाएगा y की पावर r, ठीक। एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 8 c r की वैल्यू कितनी है 3, और क्वेश्चन ही पूछा है तो देखो मैं और चीज बता दूँ, जैसे यहाँ पे x और y है, कोई और चीज के साथ नहीं, अगर मान लो था 2x या x/2 तो वो नंबर अपना इफेक्ट शो करता है इसमें कुछ ना कुछ, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसी की पावर दी जा रही है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल आगा जैसे एक्स आ रहा है यहाँ पे, उसी की पावर दी जा रही है, चाहे कुछ भी पावर हो, दूसरी जगह अगर कुछ एक वेरिएबल है उसकी कुछ पावर दी जाएगी, क्योंकि इन वेरिएबल के साथ कोई नंबर है ही नहीं, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में ना माइनस माइनस कुछ है, तो ये तो सिर्फ वेरिएबल बन के आएंगे ना हमारे पास, चाहे कुछ भी पावर लेके आए, सो जो नंबर है वो किसके कारण आएगा, सिर्फ इस पहले इतने से बांट के कारण, सो मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में मेरे को टाइम सेव करना है, सो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को बोला था वो टर्म क्या है, तो वो टर्म मेरे को सारी लिखनी पड़ती, और मेरे को बोला सिर्फ क्वेश्चन क्या है, तो मैं क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना सही से सॉल्व करूंगा, 8 CR मीन्स 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ होता है 8 − 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, सो लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, ठीक। मेरे को पता था नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा, इसलिए मैंने 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 1 बन गया, यहाँ भी 1, 3 फैक्टोरियल पहली होती है 6, ये 6 कर दिया, ठीक है, क्या बन गया 8 × 7 = 56। मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पूछा है तो मेरे को बोलना है 56, तो क्योंकि ऑप्शन में अब क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें दे दी होनी नहीं चाहिए, मेरे गलती से ऑप्शन डाल दिए, ऐसे रेज भी नहीं होगा एक्चुअल में, बट मेरे को सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा था तो ऑप्शन में मैंने एरर कर दिया, पूरा टर्म ही दे दिया आपको। सो अब इनमें से दो ऑप्शन पॉसिबल है, या तो बी बी या फिर ए बी, सो चलो मैं ये जल्दी से फिर अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पूछा होता अगर फोर्थ टर्म क्या है, क्वेश्चन ये पूछा था द फोर्थ टर्म ऑफ, ये सिंपली फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन इज, फोर्थ टर्म क्या, तो मैं यहाँ पूरी टर्म में कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे बस ये चीज एक्स्ट्रा क्या आएगी, x³ 8 − 3 और यहाँ y³ 3, 8 − 3 होता है 5, x² 5 इंटू y³ 3, यहाँ भी सेम x² 5 y³ 3 और y³ 3, कहाँ ये x² नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x³ 5 y³ 3, से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बट अगर क्वेश्चन पूछा होता तो ऑप्शन में आपको जगह नंबर दिए होते हैं, सो वहाँ पे फिर ये 56 दो बार नहीं देते आपको, तो मिडिल टर्म ढूंढो, ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपने अभी तक स्टैट्स के रूल याद करें मीडियन
मिडल टर्म निकालने के वैसे ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। देखो ये कुछ एक्सप्रेशन दिया, मतलब ये एक्सपेंशन इसकी इंडेक्स 4 रख करके करनी है आपको अगर, तो 4 इंडेक्स होगा अगर तो टर्म्स कितने आएंगे, 5। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, ठीक है। मिडिल क्या, मिडिल टर्म ढूंढने को बोल रहा है। मिडिल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, जैसे यहाँ पे है, दो में इस तरफ छोड़ूंगा, दो इस तरफ छोड़ूंगा, बीच में अकेली बची उसी को मिडिल बोला जाएगा। जो बीच में अकेली बचती है वो कौन से नंबर पे आ रही है, तीसरे नंबर पे, तो मतलब मेरे को क्या बोल रहा है, कौन सी टर्म ढूंढो, तीसरी टर्म ढूंढो, समझे। मेरे को थर्ड टर्म ढूंढनी है, तो मैं तो क्या लिखूंगा, T2+1 इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ फॉर्मूले में, तो एन मीन्स 4, सी आर आर कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, तो 4C2, और ए कितना है फर्स्ट टर्म, मतलब बोले तो कितनी, 2x, 2x, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एन माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 2, ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या है, 3y, मैं लिखता हूँ 3 × y, टच होगा इसका 3y, और यहाँ जो नंबर होता है नीचे वो पावर में 2 की पावर दे दी मैंने, सो 4C2 करोगे तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कर गया, 2 से 4 कर गया, 2 के 2 × 3 = 6, ये इतना से कितना बन गया, 6 के बराबर, ये बनाता हूँ 6, ठीक है, 2x^4 − 2 = 3 × 2। देखो यहाँ से अब क्लियर कट आपको ये होगा, यहाँ एक नंबर बनेगा 4, यहाँ बनेगा 9, 6 × 4 × 9, 4 6 = 24, 24 × 9 = 216, ओके, ये बना 216, और यहाँ पे x² y² अगर आपको कैलकुलेशन में जितने करके देख लो, तो ये 216 बनेगा, 24 × 9, ठीक है, 4 9 4 36, 9 2 18, 18 3 21 216, एक्सपेरवाइज करिए आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर लगाओ जल्दी वाली कैलकुलेशन में तो आप टाइम लो इजीली, कॉपी में लेके करते रहो, बट मेरा पर्पस है जस्ट आपको लॉजिक समझाना, सो मैंने बताया आपको ऐसे करो, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालनी है और पावर जब इवन है, सो क्योंकि इंडेक्स से एक एक्स्ट्रा टर्म आती है एक्सपेंशन में, तो टोटल टर्म यहाँ 5 होगी, 5 और नंबर ऑफ टर्म होती है तो एक मिडिल टर्म आती है, इवन नंबर ऑफ टर्म यहाँ छूट जाते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म दूसरी तरफ छूट जाते हैं, तो बीच में सिंगल एक टर्म बचता है, ठीक है। तो ये याद रखो, जब इवन पावर इवन इंडेक्स होगा तो एक मिडिल टर्म आएगी, वो निकालना है, सिर्फ वही टर्म निकालनी है अपने, जैसे यहाँ पे थर्ड थी तो लिखा T2+1, बाकी रूल लगाया और आंसर लाया, ओके। अब मिडिल टर्म इंडेक्स मेंशन होगी, इसके को यहाँ भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, फर्क है यहाँ पे, अब इंडेक्स मैंने ऑड कर रखा है, ऑड इंडेक्स है, सो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी यहाँ पे, 6 टर्म्स टोटल आएंगे, 6 टर्म्स, ठीक है, 6 टर्म टोटल होंगी। अब दो टर्म एक तरफ छोड़ोगे, दो दूसरी तरफ छोड़ोगे, बीच में तब भी 2 टर्म बचेंगी, समझ आ रही बात आपको। देखो अब 6 चेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दो आपने इस तरफ छोड़ी, दो इस तरफ छोड़ी, कितनी बची बीच में, दो, कौन सी प्लेस पे बची है, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे, अब ये तो छोटे नंबर का आपको लाइन लगा के दिखा रहा हूँ, अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर रूल को याद रखना है, एन अपॉन 2x टर्म, तो n+2 अपॉन 2x टर्म्स, ये मिडिल टर्म्स होती हैं, ठीक। अब चाहे तो यहाँ लगा के देख लो, ये फंडा 6/2 करोगे तो कितना आएगा, 3, और 6 2 6 में 2 ऐड किया, 8 8/2 करोगे तो 4, ये दो प्लेस पे जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म्स होगी, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वो मिडिल टर्म्स निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, वो अनग्रुप डाटा में मिडिल टर्म्स निकाला करते थे अपन 8th और 9th क्लास में, ये एक एक्सरसाइज है, तो वहाँ अपने ये रूल लगाया करते थे, ठीक है, रूल बनता वो आपने देख लिया, और डायरेक्टली अपन कैलकुलेशन में चलते हैं आंसर, ठीक है। यहाँ थर्ड और फोर्थ टर्म अपने को निकालनी है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, मतलब T3 = 2T+1 चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए मतलब T3+1, ये भी चाहिए, एन की वैल्यू कितनी है, 5, सो यहाँ पे बनेगा एन सी आर, मतलब 5C, आर की वैल्यू 2, यहाँ R2 है और दूसरी वाली कैलकुलेशन में आर की वैल्यू दूसरी टर्म के लिए, पहली एक टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे 5C2, फर्स्ट टर्म मीन्स x/2, 5 − 2 मीन्स 3, और सेकेंड टर्म 2y और पावर
और टू थोड़ा आगे चला गया उसके ऊपर, बट आपको दिख रहा होगा वो समझने में परेशानी होगी। तो 5G2 या फिर प्रेफर करोगे तो कितना होगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 − 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 5 − 2 करोगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2 होता है, 2 से 4 कट गया 2 पे, सो ये नंबर बन रहा 10। ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे 10, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे सिंपली एक नंबर लिखता हूँ 10। एक्चुअली मेरे को याद भी है, और अगर आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको याद भी रहेगा कि 5C2 क्या होता है, 6C2 क्या होता है, कितनी बार प्रैक्टिस हुआ थी कि हमने जुबानी याद रहता है। सो नहीं भी याद हो तो कोई इशू नहीं, आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस आपको अच्छी चाहिए। देखो यहाँ बनेगा x³ / 3 / 2³, और यहाँ क्या बनेगा, y²² × 2² सोच सकते हो इसका ऐसा, 2² से 2³ कट गया, यहाँ पे 1² ले गया, ये 2 से ये कट गया, तो ये बना 5, तो एक नंबर ना 5x³ और y² 2, 5x³ 3 y² 2 एक ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी, मतलब ये हमारा टर्म आ रहा है, बट इसको हम टिक नहीं कर सकते, हो सकता है ये भी आ रहा हो क्योंकि दो टर्म है मिडिल टर्म। सो T3 निकाल, अभी हमने T3 निकाला, T4 निकालना, और T3 प्लस 1 टर्म निकालना, सो अगेन NCR लिखेंगे हम इस 5C, ये एन की वैल्यू 5 थी, तो 5C³ फर्स्ट टर्म बोले तो ये x/2, और 5 − 3 करेंगे यहाँ पे तो 2 × सेकेंड टर्म मीन्स 2y, और ये जो नंबर 3 है वो पावर में ले जाएंगे ऐसे, 5C³ और 5C² सेम वैल्यू आती है इसकी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 3 है, तो वो 3 जो डिफरेंस है वही यहाँ बेस पे है। अगर आपको नहीं ये बात समझती है, बोल के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में क्या बनेगा, 5 − 3 फैक्टोरियल, ठीक, इंक्रीमेंट क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल करके 5 − 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, तो एक 2 से 4 कट गया तो कितना है अगेन 10, ठीक है, तो वही 10 नंबर यहाँ भी आया पहले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया 10 आया। यहाँ x² आ रही है, y³ 3 आ रही है, इसी वेरिएबल मैंने लिए हैं अभी जस्ट, डिनोमिनेटर में 2² है, यहाँ न्यूमरेटर में 2³ 3, 2² कर गया 2³ 3 से 1² बच गया, 2 × 10 = 20, सो ये हमारा 20x² y³ 20x² y³, सो ये भी ऑप्शन है, बोले तो ये दोनों ही ऑप्शन है, सो बोथ ही एंड बी करेक्ट। सो अगेन लास्ट पार्ट, द पैटर्न ऑन एरे फॉर्म द अरेंजमेंट ऑफ ऑप्शन ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज कॉल्ड। सो आपको अपने स्कूल में कभी मॉडल मेकिंग में पार्टिसिपेट किया हो मैथ्स के, सो ये हर सेशन में रहते ही थे ऐसे मॉडल, फोर्थ को यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है, जब एन की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू 3 होगी, मतलब समझो ए प्लस बी की पावर में 0 कर दो, ठीक है, कितने टर्म है, एक टर्म, क्योंकि ब्रैकेट पावर 0 करी तो 1 आएगा, सो 1 है तो 1 कितने टर्म, एक ही तो है, सो क्या बोलूंगा यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर ए प्लस बी की पावर 1 करूँ यहाँ पे, अगर 1 कर दूँ क्या आया आंसर, ए प्लस बी, सो ए प्लस बी आया कितने टर्म है, 2, ठीक है, अब देखो 2 टर्म उनके क्वेश्चन क्या है, ए का ऑप्शन क्या है 1, बी का ऑप्शन क्या है 1, सो यहाँ मैं क्वेश्चन डी लिख रहा हूँ, अगर क्या लिखूंगा 1 यहाँ पे 1, ठीक है, अगर अगेन आप पावर 2 करोगे तो फिर यहाँ बनेगा a² + b² ऐसे, मतलब अगर पोजीशन पे रखे उसको तो 2ab + b² ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 1 2 1, सब लिखोगे 1 2 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, और ये गैप अगर आपको नहीं छोड़ने आते तो एनसीईआरटी है, यहाँ पे कुछ डायग्राम है कोई, यहाँ पे यहाँ पे कोई मान लो ऐसा बॉक्स जैसा बना लेता हूँ, ताकि अब एक डिब्बा मैंने इन दो नंबर के बीच में फिट कर दिया, वो एक डिब्बा इनके बीच में फिट कर दिया, ताकि आपको मतलब ये जगह खाली छोड़नी का ध्यान रहे, ठीक है ऐसे। तो अगर हमने क्या देखा, इंडेक्स जीरो था, सो हमारे पास नंबर आया 1,
एन जी एल यहाँ पे क्या है, एन सी जी ए की पावर ये 0 - 0 0, तो यहाँ पे मतलब हर एक एक ही टर्म होगी एक्चुअल में, और ये अगर आप बोलो कि ए की पावर 0 का ऑप्शन क्या थे वन नहीं होगा, एक ऑप्शन इस तरह से वन हो गया, ये आपको समझ आ गया यहाँ पे वन। फिर दूसरा आपने देख लिया ये पावर वन होती है तो ऑप्शन वन वन बनते हैं, फिर वन टू वन बनते हैं, ऐसे आप जाती जाओगे। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक ऑप्शन को अरेंज करके स्ट्रक्चर बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, के जो ट्राइंगल शेप बन रही है इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप आपको ये चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब समझ आ गए होंगे, और इन कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको बस इन चीज़ों की अब जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।